मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगूं। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे। इतनी दुआएं मांगू मन की आँखों से, हर पल ही तुझको देखूं। हर पल ही तुझको देखूं।
ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के रथ में विराजमान होकर संडे को हमें विशेष अव्यक्त पालना देते हैं, हमें बाप समान बनने की विशेष शिक्षाएं, विशेष शक्ति, विशेष गुणों को कैसे धारण करना है वो विधि सिखाते हैं। और बाबा की बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है कि बाबा की हर आज्ञा को आज्ञाकारी बन जीवन में धारणा स्वरूप बने। अब इसमें मुख्य बात है कि बाबा की कौन सी आज्ञाएं हैं, आज्ञाएं कहें, श्रीमत कहें, डायरेक्शन कहें, फरमान कहें, परंतु यदि नहीं मानते तो अवज्ञा करते हैं, नाफरमान बरदार बनते हैं और उसकी सजा मिलती है। और यदि हम आज्ञाओं को पूर्ण रीति मानते हैं, पालन करते हैं, तो उसकी विशेष गिफ्ट और विशेष पद भी मिलते हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा हमें अपने समान आज्ञाकारी विघ्न विनाशक बनाना चाहते हैं। विधि क्या है और सिद्धियां क्या है यथार्थ रीति समझते हैं बाबा के महावाक्यों में। आज है 5 तारीख 5 मई 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 नवंबर 1999 के महावाक्य हैं। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। बाबा ने शुरू में ही टाइटल दे दिया हम सभी को, होली हंस का टाइटल। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। हंस क्या करते हैं? रतन चुगते हैं, मोती चुगते हैं। तो हम सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है क्या? व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे, वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। चाहते हैं ना कि ज्ञान योग सहज धारण हो जाए। तो बाबा ने आज बहुत ही सहज उपाय बताया, आज्ञाकारी बनना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों के आज्ञाकारी। तीनों ही रूप में, ये तीन रूप है ना, तो तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। अब इससे एक बात स्पष्ट है कि यदि पुरुषार्थ सहज नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है, अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की
आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो चेक करना है कि हम कितना बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। किस समय कौन से संकल्प उत्पन्न करने हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, स्पष्ट आज्ञाएं बाबा की हमें मिली हुई हैं। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें। बाबा ने इतनी महीनता से हर चीज के लिए हमें समझाया है कि सोचने की भी जरूरत नहीं है, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। इससे ऊपर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सभी कुमार जो भी आए हो, आज विशेष बाबा कुमारों को देखकर वाणी चला रहे हैं, तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है कुमारों के पास, धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब जिसका है आपका है। तन मन धन सब कुछ तेरा, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। किया है सबने वायदा। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? गीत गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अब कह रहे हैं फिर मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है, तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया, कर लिया ना सब बाबा के हवाले। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, सबसे पूछ रहे हैं बाबा पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, पूछ रहे हैं बाबा, है ना। कुछ भी थॉट्स विचार चलते रहते हैं तो अपने अनुसार नहीं चला सकते। जब बाबा को दे दिया तो मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। माया के दरवाजे हैं कौन से? मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? जब तन भी मेरा नहीं है तो ये जो मैं शब्द है, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? मन तो बाबा का है। तेरा है या मेरा है,
बाप का है या सिर्फ कहना है करना नहीं? पूछ रहे हैं बाबा, केवल कहने के लिए कहते हैं क्या? तन मन धन सब तेरा, तो कहना कुछ और है करना कुछ और है। कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो, क्या? कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेहनत काहे की? बाबा का है तो बाबा की श्रीमत प्रमाण चलाना है, सिंपल है। तो बाबा कहते फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमज़ोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है। कौन से हैं वो दो शब्द कमज़ोरी के? मैं और मेरा। तो ना आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? आज्ञाकारी होना तो बाबा की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। मन बाबा को दे दिया तो फिर मन में व्यर्थ संकल्प तो आ ही नहीं सकते। बाबा कोई व्यर्थ संकल्प थोड़ा चलाएंगे, तो इसका मतलब नहीं दिया ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए ना, सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। ये स्वमान स्मृति में रहे। मैं कौन? मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है वह सोचो ना। कुछ भी थॉट्स चलें तो खुद से पूछो कि बाबा की यह आज्ञा है, ऐसे विचार चलाना ना, किसी के प्रति ऐसे सोचना, ये श्रीमत प्रमाण है? बाबा ने इसकी छुट्टी दी है? नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ? हूँ बाबा का आज्ञाकारी? चेक करो। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, कौन सा? मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, दिल से निकले बाबा। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन अंतर क्या है? लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो, ये रोज का रूटीन बना लो। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है
श्रीमत अनुरूप रखा है या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी ओतामेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब ओतामेल होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज़ करो, क्या पोतामेल रखो। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, पूछ रहे हैं बाबा कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है, इन्हों को यह ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है। नए नए होते हैं ना, तो एग्जैक्टली पता नहीं होता, तो बाबा कहते हैं इनको ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। तो अगर हल्का रहना चाहते हैं, निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो तेरा कर दो ना, पूरा पोता मेल बाबा को देना शुरू कर दो। तो बाबा कहते कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर वन आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। केवल लक्ष्य रखने से तो बात नहीं बनेगी ना, लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। कोई भी कार्य करने से पहले चेक करो मनसा वाचा कर्मणा संबंध को। श्रीमत अनुरूप है, बाबा की आज्ञा के अनुसार है, अपना अकाउंट रखो, बाबा को दे दो, बस। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं कौन से, संकल्प, समय और श्वास। हमारे जीवन के तीन मुख्य खजाने। आपकी श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने कौन से, संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, इसके बाद नहीं कर सकते। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा, जमा कब होना है, अब दोनों का जमा इस संगम पर करना है। जो भी प्राप्तियां हम सतयुग त्रेता द्वापर में करेंगे, चाहे अपने देव स्वरूप में, चाहे अपने पूज्य स्वरूप में, उसका आधार है संगम युग पर इन खजानों को सफल करना। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। टाइम पास नहीं करना है, टाइम सफल करना है। जब भी कोई फालतू संकल्प,
फालतू समय जाता है। तो ऐसे नहीं समझो, चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन हम कौन है? प्रकृति पति है ना। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। कौन सा खेल? उड़ती कला का। तो प्रकृति को, प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। प्रकृति नीचे है, प्रकृति पंच तत्वों के देह को प्रभावित कर सकते हैं, पर मुझे आत्मा को नहीं। तो मुझे कौन सा खेल दिखाना? उड़ती कला का। ये नीचे रह जाए, मैं ऊपर चले जाऊं। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ 99 के अंदर उड़ीसा में साइक्लोन हुआ था बहुत भयानक। तो किसी बच्चे ने बाबा को वो जो सामुद्रिक तूफान आया, साइक्लोन आया, उसकी रिजल्ट लिख कर दी। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे? हम क्या कर रहे थे? प्रकृति अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा? पूछ रहे हैं बाबा ना। हम भी दुनिया वालों की तरह कोई घटना दुर्घटना कोई आपदा हुई उसको देखने में ही मस्त हैं, अपने कर्तव्य को बाबा की आज्ञाओं को भूल गए हैं, है ना, उन जैसे हो गए ना। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। तो ऐसे नहीं समझो कि गुप्त रूप में यदि पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा नहीं देख रहा है। बाबा की नज़र सबसे पहले अपने ऐसे बच्चों पर जाती है, और उन्हें भी फिर बाबा की मदद का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का, जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, वह किया? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे बाबा ने कहा कि आप बच्चे अचल साक्षी रहे और वायुमंडल्स में भी सहयोग समय पर दिया, उसी तरह बाबा पूछ रहे हैं कि शांति, शक्ति और सुख का, जो ईश्वरीय कार्य देने का कर्तव्य है, वो आपने किया? तो बाबा कहते हैं, जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? होता है ना, जब भी कहीं ऐसी आपदा होती है तो अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, किसी को डोनेशन देने हैं, फोन नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी सहयोग कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो करता है। वह पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मणों ने क्या किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए, स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है,
जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। स्थूल के लिए बाबा मना नहीं करते, वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको मदद देनी चाहिए अगर दे सकते हैं तो, परंतु साथ साथ वो चीज़ जो और कोई दुनिया में नहीं दे सकता, शांति, शक्ति, ना, तो ये सहयोग ज़रूर देना है हमें, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। बहुत भयंकर तूफान आया था, साइक्लोन आया था ओडिशा में, पर बाबा ने कहा कि उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। अब हमेशा कहते हैं कि ये सब तो रिहर्सल है, रियल तो अभी होना है। तो रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। कुमार क्या करेंगे, शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखरीन रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पाठ भी बजावें। कौन सा पाठ, कौन सा पाठ बजाएंगे? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे, एंड तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो देंगे कब? अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा कई बार कई मूल्यों में कह चुके हैं कि पहले से स्टॉक जमा करो, केवल अभी ही कमाया और खाया ऐसे नहीं, भविष्य के लिए जमा करना बहुत ज़रूरी है। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं, वह शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं ना, सामना करने की, सहन करने की, तो जब जिसको चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, परंतु साथ साथ विश्व को भी योगदान देना है। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, पहले भी सुनाया, पवन ने क्या करना है, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बस यही चेक करो पुरुषार्थ के लिए। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। बाप समान बनना यानी आज्ञाकारी बनना, फॉलो करना बाबा को, हर कर्म के अंदर चेक करना कि क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप समान है, बस चेक करना, चेंज करना, इसे कहते हैं आज्ञाकारी बनना। बस
श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो, एलॉय मिक्स नहीं करना है उसके अंदर, एक्यूरेट जो बाबा ने कहा है जैसे कहा है उसमें थोड़ा भी अपने मत यूज नहीं करनी है, बहुत ईमानदारी से चलना है। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, पूछ रहे हैं बाबा, आता है? अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। जब स्पेशली किसी ग्रुप को बुलाया जाता है तो उसकी खातिरी भी तो की जाती है ना। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो? पूछ रहे हैं बाबा, सेफ हो? अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा, कब जाएगा? जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ तब जाएगा। पहले हमें खुद विघ्न विनाशक बनना पड़ेगा। विघ्न विनाशक किसका नाम है, टाइटल किसका है? हमारा है ना, आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो। क्या लिखेंगे बाबा? कई बार कहते हैं बड़े बड़े पत्र मत लिखो, बस क्या लिखो? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवरेडी बन किया है, कान मिलता है, बाबा जो भी होमवर्क देते हैं ड्राइवर रेडी बनकर करते हैं तो बाबा की विशेष आफरीन मिलती है। तो मैंने कहा और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। तो दादी जी से पूछा, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है, बाप दादा तो मुबारक दे भी रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राजी होता है ना। ये बात ध्यान की बात है कि बाबा के साथ जब चार्ट लिखते हैं ना, बाबा को देते हैं, तो बाबा के साथ
सदा सच्चा होके रहना है। उससे तो क्या ही छिपा है, फिर भी यदि छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक विश्वास नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम से उस जो खुद ही सत्य है उसे क्या छिपा सकते हैं हम। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी। सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो यह नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। क्या याद रखेंगे कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। अच्छा, आज का वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब भावा। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो कौन सी खुशबू फैलाएंगे? रूहानी खुशबू। रूह समझेंगे और दूसरी आत्माओं को भी उनकी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखेंगे। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो याद रखना, सुख दो परंतु विधि से सुख दो, शांति दो परंतु विधि से करो। विधि से सिद्धि होती है, अगर विधि ठीक नहीं है तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि हम अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, सुबह से लेकर रात्रि तक कितना बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, कितना फॉलो फादर करते हैं, ताकि हम संपूर्ण रीति बाबा की मत पर चले, बाबा की आफरीन ले और अपने पुरुषार्थ को सहज करें। अच्छा, ओम शांति।
मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। परम शांति की दुनिया, परम शांति की दुनिया, रूहों का अनोखा नगर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। नातन का कोई बंधन, ना मन में कोई बात। नातन का कोई बंधन, ना मन में कोई बात। है यहाँ प्रभु का बसेरा, होते नहीं दिन रात। है यहाँ प्रभु का बसेरा, होते नहीं दिन रात। झिलमिल करती मड़िया सारी, आती यहाँ नजर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। परमानंद का मंदिर, ये लोक है सबसे प्यारा। परमानंद का मंदिर, ये लोक है सबसे प्यारा। बिखरा दिव्य प्रकाश यहाँ चारों, प्रकाश यहाँ चारों रुजियारा। पवित्रता की किरणें यहाँ बिखरे हैं झरझर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। सर्व गुणों और
शक्तियों से सजा है मेरा रूप, सर्व गुणों और शक्तियों से सजा है मेरा रूप। मेरे बाबा का साथ यहाँ, वतन ये बड़ा है अनूप। मेरे बाबा का साथ यहाँ, वतन ये बड़ा है अनूप। बेहद का संसार ये सबसे ऊंचा है शिखर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। परम शांति की दुनिया, परम शांति की दुनिया, रूहों का अनोखा नगर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम मेरा मूल वतन मेरा घर।